Good morning, student. In the previous video of chapter 1, we have revised the keywords and back exercise. And today we will revise the short question answer and long question answers. First question is, what are nutrients? Nutrients kya hote hain? Components of food that are necessary for our body are called nutrients. Wo component food ke, jaise protein hai, carbohydrate, vitamin hai, jo humare liye kya hai, necessary hote hain humari body ki growth ke liye. To usse hum kya bolte hain? Nutrients. ऑटोट्रॉप्स एंड हीटरोट्रॉप में डिफरेंस बताने हैं. ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस. ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना फूड क्या है खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. एंड हीटरोट्रॉप्स एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक अ रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट. जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं उनसे जो फूड हम लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हीटरोट्रॉप, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है. सेल्स क्या होते हैं? बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स. छोटे छोटे यूनिट्स से क्या है हमारी बॉडी बनी होती है, पूरे ऑर्गेनिज्म है जो, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स. तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सेल के अराउंड क्या होती है, एक थिन वो पतली सी एक बाउंड्री होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल की मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल. सेल के सेंटर में जो एक ऐसे सेल होता है उसके सेंटर में एक छोटा सा क्या है, स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस. न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. वट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स में. अल्टीमेट सोर्स कौन सा है एनर्जी का? सन. इंसेक्टिवर्स प्लांट कौन से होते हैं जो क्या खाते हैं? इंसेक्ट. फॉर एग्जाम्पल पिटचर प्लांट, इन्हें हम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट भी बोलते हैं या फिर इंसेक्टिवर्स प्लांट. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और सेप्रोट्रॉप कौन से होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट इन सोल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो ऑर्गेनिज्म डेड या डेड मैटर से अपना फूड क्या है लेते हैं, डेड मैटर को खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जो प्लांट्स सेप्रोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, शेयर करते हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, उस चीज को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अपनी लिवलीहुड के लिए एक दूसरे के साथ रहना. नेक्स्ट आपके ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं. व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? हमें क्यों फूड खाना चाहिए? ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज. हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए और डेली काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें क्या है, फूड लेना पड़ता है. पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट. पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर ग्रो करते हैं और उनसे ही क्या है, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. सेप्रोट्रॉप कौन से होते हैं? जो न्यूट्रिएंट क्या है, डेड मैटर से लेते हैं अपना. ये क्या है, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज करते हैं. ये कौन सा यूज करते हैं, सेप्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉपिक. पैरासाइट की एग्जांपल क्या है, कैस्काटा या फिर अमरबेल जिसे बोलते हैं, एंड सेप्रोट्रॉप की फंजाई. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? स्टार्च की प्रेजेंस कैसे हम चेक करेंगे लीव्स में? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव कैन बी टेस्टेड बाय द आयोडीन टेस्ट. कौन सा टेस्ट करते हैं इसके लिए, आयोडीन टेस्ट. When we remove chlorophyll from the leaf by boiling it in alcohol and then put 2 drops of iodine solution, its color changes to blue. जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल ले लेते हैं किसी भी लीफ का थोड़ा सा पार्ट लेके, उसे अल्कोहल में पहले बॉयल करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्या है, आयोडीन के 2 drops डाल देते हैं, तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, ब्लू. अगर ब्लू कलर आ गया दैट मीन्स उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है. अगर नहीं आया तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है आपको फूड के सिंथेसिस के प्रोसेस की, या फिर आप कह लो फोटोसिंथेसिस की. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो फूड बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस.
फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। जब प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेल कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही क्या है, ये टेस्ट पॉसिबल है। द रॉ मटीरियल फॉर द प्रोसेस आर वाटर, CO2 एंड सनलाइट। इसके लिए हमें और क्या मटीरियल चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 जो एनवायरमेंट से मिल जाएगी, वाटर एनवायरमेंट से मिल जाएगा, सनलाइट सन से मिल जाएगी। उसके बाद ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपने एक स्केच की हेल्प से शो करना है कि प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। उसके लिए आपको ये वाली डायग्राम बनानी है। इसमें क्या है, लाइट एनर्जी आ रही है, ग्रीन प्लांट को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है एनवायरमेंट से, क्लोरोफिल इसके लीव में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये अपना फूड प्रिपेयर करके क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो यूज कर लेगा उसकी एनर्जी, एंड ऑक्सीजन गैस क्या है रिलीज कर लेगा। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का एरो इधर है क्योंकि यूज कर रहा है, रिलीज कौन सी कर रहा है, ऑक्सीजन। और वाटर एंड मिनरल्स क्या है, इसको उसकी रूट से मिलते रहेंगे। तो ये सारा आपके क्वेश्चन आंसर थे, वेरी शॉर्ट एंड की लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है। पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप में डिफरेंस है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपके मैचिंग है। इंसेक्ट का किसके साथ आएगा, पिक्चर प्लांट, क्लोरोफिल, लीव्स, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया। और ये सारे कीवर्ड्स भी आपकी क्या है, पार्ट वन में मैंने करवा दिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थैंक यू।